हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सोनी मंटू 88 में। गाइस, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम अपना आरओ जो है उससे क्लीनिंग करवा लें, आरओ को साफ करवा लें, मगर जो हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज हमने मैकेनिक बुला लिया है आरओ को साफ करने के लिए, जो अभी कुछ ही देर में पहुँच ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने देर में पहुँचता है। तो बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को कट मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। और जैसे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। मैं कहाँ चलूँ, मैं ये बहुत परेशान करता है मुझे। ये तो वीडियो बनाने के हर समय लगते रहता, तो पढ़ाते तो कभी नहीं है, ना तो खुद इनको पढ़ने आता है, ना तो टेबल आता है इनको। हमको पढ़ने नहीं आता तो तुम यहाँ पढ़ता? हाँ, तो देखो ना, बुक कॉपी लेकर पढ़ रहा हूँ। हाँ देखिए, पढ़ रहा है ये। जब भी मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए चलता हूँ तो ये अपना कॉपी बुक लेके है, जो मेरे पास आ जाता है कि मौसा जी हमको बता दीजिए, हमको आराम करने नहीं देता। सारा बुक तो भर चुका है, करवा कुछ नहीं रहे। अभी कौन करवा रहा था बताओ? तो ना मुझे कटर ढूंढ के आप सो रहे थे, मैं बताई थी कितना इसको पता है। आप तो कुछ बताने आराम से करवा, बताई उसको कितना, तुम भी बताई थी। ये रहा तुम्हारा सपना, बिल्कुल कहा देखो उधर गड्ढे में बताई ना मैं। यही है हमारा ओआरओ, जिसको रिपेयर करने के लिए, सफाई करने के लिए जो है हमने मैकेनिक को बुलाया है, क्योंकि हमें अपने से हो नहीं पाया, क्योंकि ये इतना कस के उसी ने बैंडिंग मतलब इसमें टाइट किया है इसकी चूड़ी को, दो कैंडल वाला है मेरा ओआरओ, तो इतना कस के टाइट किया गया कि हमें अपने हाथ से खुला ही नहीं। नहीं तो हम अपने हाथ से इसकी साफ सफाई कर लेते और इसको फिट लगा देते, मगर ये हमें अपने हाथ से नहीं हो पाया, इसलिए जो है हमें मैकेनिक को बुलाना पड़ा। जिसने लगाया था वही आ रहा है इसको फिर से फ्रेश करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसकी साफ सफाई किए हुए, क्योंकि हम बहुत दिन के बाद आए। और मतलब कि आरो अगर साफ सफा ना हो तो पानी पीने में जो है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। हमें इसका टेस्ट अभी अच्छा नहीं लग रहा था और हम छुट्टी में थे, तो इसमें कुछ डस्ट भी पड़ गया है, इसकी वजह से हमें अच्छा नहीं लग रहा है पानी पीने में। इसके लिए जो है इसी के चलते जो हमने इसको साफ सफाई करने के लिए बुलाया है मैकेनिक को। तो ये हमारा किचन है, खाना बना के रखा जा चुका है, अभी हमने खाना खाया नहीं है, अभी दोपहर के 1 बज रहा है। चलिए इंतजार करते हैं मैकेनिक के आने का। ये किचन में भी हमने एक झरना लगा रखा है बर्तन धुलाई करने के लिए, जिससे पानी कम लगता है, बहुत ही अच्छा साफ सफाई होता है। आज का मौसम भी बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा धूप निकला है, बहुत ज़्यादा गर्म भी लग रहा है। जैसे ये हमारा एरिया है, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हमारा जो फ्लैट है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, देख सकते हैं कितनी धूप निकली है यहाँ पर। और ये हमारा कंपाउंड है, आज के लिए बाय बाय। हाँ नमस्ते।
खाली कर दें, उसके बाद वाला जो पानी जो स्टोर होगा उसको यूज करें। तो अभी फिलहाल इसमें पानी फर्स्ट टाइम स्टोर हो रहा है, स्टोर होने के बाद हम इसको निकाल देंगे पानी, और उसके बाद फिर पानी जो स्टोर होगा उसको यूज करेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।